14 फरवरी, अ ट्रू लव। आइए मनाए मातृ पितृ पूजन दिवस, क्योंकि प्रेम तो पवित्र होता है। अरे बच गए बेटा, अभी तक नहीं आया। आ जाएगा, आ जाएगा। बेटा आ गए? नहीं रे बेटा, अभी तक नहीं आया। बेबी, तुम्हारा घर आ गया। ठीक है चलो। रानू, कल पता है ना तुम्हें वैलेंटाइन डे है। या बेबी, ये मैं कैसे भूल सकता हूँ। ठीक है जान, सी यू टुमारो, बाय बाय। शराब पी के आया? मेरे लाल अब तक तो कहाँ था? चल बेटा आ जा, मैंने तेरी पसंद का खाना बनाया है। संभल के संभालना बेटा। उठो बेटा, उठो बेटा, सवेरा हो गया। अरे क्या सुबह सुबह परेशान करती रहती है, सोने भी नहीं देती। सपने देखे थे हमने तेरे लिए। हाय जानू, तुम क्या कर रहे हो? फिर कब मिलना है? आज तो मौज मस्ती का दिन है। ओह सिट, मैं तो भूल ही गया था। लो बेटा, मैंने तुम्हारी पसंद का नाश्ता बनाया है, नाश्ता कर लो। रहने दो ना माँ। नाश्ता तो कर लो ना बेटा। बेटा नाश्ता तो करता था, रहने दो ना। नहीं क्या जल्दी है, नाश्ता तो करके जाते। रुको बेटा। बिना खाए पिए चला गया, पता नहीं किसके संग में आ गया है। इतने अच्छे दिन का गवाना कर दिया। आज मंगल मंगल 14 फरवरी। अरे क्यों मार रहा है, मत करना। आज 14 फरवरी।
अरे 14 फरवरी आज तो मातृ पितृ पूजन दिवस है ना। अरे हाँ। चलो चलो तैयारी करते हैं। हाँ, हाँ, चलो। पूजन दिवस से क्या तैयारी की है तूने, दिखा तो। ये देखना, दिया, कपूर, अक्षत, मिठाई, कुमकुम। अरे तुम्हारी थाली में फूल तो है ही नहीं। अरे हाँ, फूल तो है ही नहीं। चलो बाजार से फूल लेके आते हैं। हाँ हाँ चलो। ए, फूल लेके किधर जा रही है? मैं माता पिता का पूजन करने जा रही हूँ। बढ़िया ही, माता पिता का पूजन करने वाली। ये गुलाब का फूल कितने का है? 150 की है। इतना महंगा? ठीक है दे दो। मैं तो घर पे हूँ। ठीक है बच्चों, आराम से आराम से। अरे रुको रुको आराम से। हाँ ये लो। ये गुलाब की है। ये छोटे बच्चे फूल लेके कहाँ जा रहे हैं? देखो तो सही। ये अपने माता पिता का पूजन करने जा रही हो? हाँ मैं भी जा रही हूँ। मैंने सुबह उठ के जल्दी नहा लिया था। आज तो मुझे माता पिता का पूजन करने में बहुत मजा आएगा। तेरी याद आती है।
थोड़ा सा खा ले बेटा, आजा थोड़ा सा खा ले, थोड़ा सा प्यार से सुनाना, खा ले खा ले खा ले, खा लिया मेरा बेटा, खा लिया बेटा, खा लिया। लो बेटा, मैंने तुम्हारी पसंद का नाश्ता बनाया है, नाश्ता कर लो। भगवान हो नहीं सकता हर समय यहाँ, इसलिए उसने बनाया तुझको मां। भगवान हो नहीं सकता हर समय यहाँ, इसलिए उसने बनाया तुझको मां। Finally, what have you all decided? अगर मातृ पितृ पूजन दिवस और वैलेंटाइंस डे, won't you love to live in the world where the paucity of relationships should be aggressively addressed? वैलेंटाइंस डे के ongoing supporters चाहते जरूर हैं कि opposites उनके प्रति वफादार रहें, भले संबंधगत प्रेम व संवेदनशीलता उतनी व खुद शायद ही दिखा पाए, क्योंकि प्रेम तो पनपती है पवित्रता में, सच्चाई में, अधिकार की चाह रखने में, सभी आगे के होड़ में खड़े बट गिविंग एटीट्यूड भूल बैठे। यही तो भारतीय संस्कृति रही है जो सुप्तावस्था में लीन हो चुकी है, आओ उसे जगाते हैं। वैलेंटाइंस डे की मौलिक प्रकृतिगत बीमारी का स्वरूप यही है। पूज्य श्री कहते हैं, सुख लेने की चीज़ नहीं देने की है, मान लेने की चीज़ नहीं मान देने की है। मातृ पितृ पूजन दिवस की वैश्विक लहर ने आज हम सब के अंदर शास्त्र श्रुतियों की व चिन्मय भावना, जहां आचार्य देवो भव, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव सनातन काल से गुंजित होती रही है, को जागृत की है। आपने कभी गौर किया, वाई आर दे गिवन स्टेटस ऑफ गॉडली नोट? Yes, parents and our sadgurus are given a status of godly note, क्योंकि उनमें अपने बच्चों व शिष्यों के प्रति सिर्फ देने व देने का त्यागमय भाव ही उमड़ता रहा है व उमड़ता रहेगा। उनके सम्मान व त्यागमय जीवन के प्रति कुछ संवेदनशीलता दिखाते हुए 14 फरवरी को वैश्विक पर्व के रूप में सच्चा प्रेम दिवस अपने माता पिता के साथ मनाने का दृढ़ संकल्प हम सभी लेते हैं। ओ इंडिया, द वर्ल्ड लुक्स अप टू यू विथ लॉट्स ऑफ होप एंड रिगार्ड्स, सीइंग इन यू इनक्रेडिबल सेंसिटिविटी मैच्योरिटी एज गुरु एज अ पेरेंट हू नरिश देयर चाइल्ड इन एवरी नो हाउस।